हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी एप्पल के लड्डू। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसे व्रत में भी आप खा सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 एप्पल लिए हैं। एप्पल को मैंने धो करके अच्छे से साफ कर लिए है। अब हम इसके छिलके निकाल देंगे। तो ये मैंने छिलके को निकाल दिया है। इसी तरह से हम सबके छिलके निकाल देंगे। अब हम एक ग्रेटर लेंगे और एप्पल को हम इस तरह से ग्रेट करेंगे। तो ये मैंने तीनों एप्पल को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लीला नारियल लिया है। नारियल के पीछे का ब्राउन वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है और इसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से पीसना है। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है। घी मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें नारियल के बूरे को डाल करके इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। इसे हमें अच्छे से सेकना है। सारा पानी इसमें से सूख गया है, ये देखिए। अब हम गैस को बंद करके इसे प्लेट में निकाल देंगे और इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो ग्रेट किया हुआ एप्पल हम इसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे। इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते हुए इसमें से पानी हमें सुखाना है। तो ये देखिए इसमें से पानी सूख गया है। तो अब हम इसमें नारियल के बूरे को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ पर मैंने पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप इसकी जगह पर मूंगफली को पीसकर भी डाल सकते हो। इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मीठे के लिए गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने ग्रेट करके डाला है। अगर आप चाहो तो इसमें चीनी भी डाल सकते हो। इसे भी मिला लेंगे और गुड़ जो पानी छोड़ेगा उसे भी हमें सुखाना है। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। तो ये हमारा मावा बन करके तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मावा ठंडा हो गया है तो अब हम हाथ को घी से ग्रीस कर देंगे और इसमें से थोड़ा मावा लेकर के इसका लड्डू बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना दिए हैं। लड्डू बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस लड्डू को ज़रूर से बनाना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।